सो गाइज, एक छोटी सी ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मतलब ऑडियंस की बहुत सारी कमेंट्स आई थी कि कौन सी वाली आगरा चौपाटी पे है मीटअप। मुझे नहीं पता था, काफी सारी आगरा चौपाटी आने के बाद पता लगा, क्योंकि अभी हम लोग आगरा में ही बैठे हुए हैं। तो भाई मीटअप इस वाली आगरा चौपाटी पे है, तो पता होगा आपको, ये अम्ब्रेला वगैरह लगे हैं, आई लव आगरा भी लगा हुआ है इधर। ये वाला जो है, इसको सेल्फी पॉइंट भी बोलते हैं, आई लव आगरा भी बोलते हैं, इसके कई नाम है, तो वही कंफ्यूजन हो गई थी। तो ये वाली है भाई लोकेशन, देख लो, यहाँ पे मीटअप है 4 बजे संडे को, 30 तारीख को। आई लव आगरा वाली चौपाटी है ना, जो ये छतरी वाली, यहाँ आना है भाई आप लोगों को। तो यहीं मिलूंगा मैं 4 बजे, वेट करूंगा भाई सबका। और जो हमने होटल लिया है ना, होटल रॉयल रीजेंट, वो ये छतरी वाली जो आई लव आगरा वाली चौपाटी, इसी के पास है। और लोकेशन इसकी पड़ती है फतेहाबाद रोड। तो भाई पहुंचना सारे। ये वाली गाड़ी लेके आई है वन एंड ओनली सिब्बूगिरी। अच्छा, उतरने से पहले मुझे एक बात बतलाओ। सो गाइस, हम सारे आ रहे हैं आगरा। ये कोई बात होती है क्या? होता है फोन, ये करी ना बात बढ़िया लोंडो वाली। गाइस, हमारा जी नहीं लग रहा था, अब हमारा जी लग जाएगा। तो है होटल, उनको सरप्राइज देते हैं। हाँ भाई, कोई बदमाशी तो नहीं थी भाई? Let's go. So hello guys, good morning and welcome back to today's vlog. So भाई अभी हम निकल रहे हैं आगरा के लिए, और बताऊं कौन कौन आ रहा है? मैं, सिब्बू, दिखाएंगे बरबरी के जो दिखाएंगे, विनय, विकास, मैं भी आ रहा हूं भाई, यस, बल्लू, मिक्की, निशांत, क्या जने हो गए हम? एक, दो, हम 7 जने आ रहे हैं भाई। स्पेशल चीज भी दिखा दो। निशांत की स्पेशल चीज भाई, निशांत के बाल देखो, मैंने जैसे बाल सेट करे। स्पेशल चीज इसमें कैसे? एक चीज दिखाऊं? हां, ऋतिक कितना चलाओ कैमरा, हाथ उठाइए अपने। ये भाई स्पेशल चीज देख ली। तो दोस्तों, अभी हम आगरा निकल रहे हैं, और कल के व्लॉग में जो मैं बर्बरी के शूज लेके आया था, उसकी अनबॉक्सिंग मैंने करी नहीं थी, तो अभी मैं दिखाऊंगा भाई बर्बरी के जूते, और इसका सिब्बू ने तो देख लिए, और इसका रेट भी बताऊंगा, रेट भी नहीं बताया था ना कल के व्लॉग में। तो चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। गाइस, तो अब हम करने वाले हैं रचित की लाइफ के सबसे एक्सपेंसिव शूज की, फुटवेयर की, और ये शुभ काम रचित मेरे हाथों से करवाना चाहता है। यस, तो अभी मैं इसको ओपन करके दिखाऊंगी भाई। हमने कल यहाँ पे बंदर आएगा और जूतों को लेके भाग जाएगा। भाई बंदर नहीं आते यहाँ, हमने ना सिर्फ कल इसका डब्बा दिखाया था। तो खोल दे भाई, मैंने ना मैंने कल ये पहन के थोड़ा चल के देखा, भाई जूते का रेट, इसका मतलब है कि जूते का रेट क्या है? इसका मतलब ये है कि जूते का रेट क्या है? अंदाजा लगाओ, अंदाजा भाई, गैस करो। चलो मैं बताऊँ। हाँ तो बता। 15,000 13,000 गैस भाई, 70-80 तेरा, मुझे एग्जैक्ट पता है। चल तू मत, मैं तुम्हारे बताऊं, छोड़ तेरा गैस। एक बात बता, तूने लेकिन 70 से 75 के बीच। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बताऊं भाई, गैस मैं तुम्हारे बताऊं, गैस 70 से 75 के बीच भाई। क्या क्या रेट है भाई? ये कम से कम 70 के बीच नहीं, 80 है, फाइनल 80 है भाई। इसका जो असली प्राइस है वो है 74,000। ये भाई वहाँ पे तो जो चप्पल आती है ना नॉर्मल, 40,000 रुपए की थी चप्पल। हाँ, चप्पल 40,000 की, 46,000 की चप्पल, 150 सिब्बू को लग रहा है 150 रुपए का है। भाई देखो शूज देखो पहले आप, कैसा है सिनेमैटिक बना दे भाई। 74,000 में स्कूटी, एक कमेंट आई भाई तेरे में तो स्कूटी आ जाती। सही बात है, सही बात है। कोई नहीं भाई, शौक है, जूते, घड़ी, चश्मे, तो गाड़ी, तो रचित है ना ये भाई, बस एक ही शौक नहीं यार लड़कियों का, और सारे शौक है। गुड, रचित है ना मीटअप में, ये देखो नजरे देखो कैसे आ रही है यहाँ से, गिफ्ट कर देगा। तो गाइज देख लो मीटअप में, कह रही है क्या ये तो नहीं था कहीं। मीटअप में आने के लिए भाई स्पेशल इतने महंगे जूते खरीदे हैं, और अभी हम सब निकल रहे हैं, सब रेडी है ना भाई? पता है, एक तैयार है भाई, आंसर दे दो ऑडियंस को। क्या पता है, मैंने एक कमेंट रीड किया, मेरे को बड़ा बड़ा बुरा लगा, वो कह रहे हैं भाई मीटअप में आ रहे हो या पैसा दिखाने आ रहे हो जूते लेके? नहीं यार, ये गलत था, मतलब
भाई जो मैंने सोचा था वही सोचा था कि मैं इतना महंगा जो शूज खरीद रहा हूँ उसको मैं एक अच्छे इवेंट के लिए खरीदूँ, तो ये था मेरा, पैसा दिखाने का मतलब नहीं था। ठीक है, लेने को तो मेरे को ये लेना ही तो था ही, पर मैंने एक इवेंट का वेट करा कि मेरा फर्स्ट मीटअप है जिंदगी का, तो मैं ये शूज खरीद के लाया। ठीक है गाइस, पूछनी भी आपसे, पूछ भाई। चलिए यार, जाने जाने दे इसको, इंक्लूड करके क्या जो भी आपने सब कुछ पहना है इसको इंक्लूड करके, हाँ वर्थ कितनी है? हाँ मेरे कपड़े वगैरह मैं पूछ रही हूं के नीचे तक, हां वर्थ कितनी है रचित? चलो अरे जूता मिला के, हाँ जूता अभी पहना नहीं है, अभी चप्पल चप्पल अभी चप्पल भी, अरे नहीं जूते मिला के। अच्छा चलो 74 के जूते, हाँ भाई अभी वो पहने नहीं है, वो उसको इंक्लूड मत करो, जो अभी पहना है। 5,000 की पैंट होगी, हाँ और ये 3,500-3,500 की होगी, हाँ और चश्मा 100 रुपए का चश्मा भाई, मैं 50,000 का है चश्मा। चश्मा कितने का है ये बताओ? 5,000 के जींस पहन के ऑनलाइन चेक करने का है भाई, मुंह से बताओ। एलवी का, एलवी का है, एलवी का, एलवी का। आप रेट बताओ ना अपने मुंह से, जूते के आसपास है, जूते के आसपास तो चश्मा मतलब मेरे ख्याल से 50 70,000 के आसपास है, थोड़ा सा उसका मैं 60 के आसपास है, इसलिए मैं भी बताऊंगी 60,000 का चश्मा। गाइस मेरे को देखो मैं बताऊंगी भाई, मैं क्या कह रहा हूँ मैं बताऊंगी, बताओ सरोजनी 210 रुपए की चप्पल है, लेकिन बेस्ट है मेरी चप्पल भी महंगी है, 6,000 की है, मुंबई से ली थी ना, मुंबई से ली थी, सिब्बू ने दिलाई थी। मेरे पास 3 चप्पल है, एक मिक्की के पास। ऐसी लड़की कहीं मिलेगी 200 रुपए की चप्पल खुद पहनती है, इसको दिलाएगी 6,000 की, और ये टी शर्ट मेरी 600 रुपए की है, यहाँ 1,000 रुपए की जींस है, 1,200 की होगी, और बाकी ये 30 रुपए की रिंग है, ठीक है ये 10 रुपए का कड़ा है भैया, ने भी वॉच तो ऐड करी नहीं थी तेरे को, अरे टोटल तो करो टोटल, कमेंट नहीं आया था तो बता रही थी, आप मीटअप में आ रहे हो, ये है वो बाबा बाबा जी पैसे दिखाने, वो पता है क्यों है? क्योंकि आज तक कभी व्लॉग में दिखाई नहीं, हाँ वो इसलिए क्योंकि ब्लॉग में कभी ऐसा मैंने दिखाया नहीं ना, और वो एक इवेंट के लिए खरीदा भाई साहब, भाई टोटल तो करो, तो भाई पैसा टोटल करो, चश्मा पैंट भाई 70,000 के आसपास हो गए कपड़े, और वॉच को मिला के घड़ी भाई आई होगी 50-55 की, मतलब कुल मिला के 1.5-2 लाख, चलते फिरते 1.5-2 लाख हो आप, चैन भी तो है, चैन भी तो है, वो तेरे को फील करा रही थी, अब तू उसको कुछ गिफ्ट करने वाला है, ठीक है? अरे मेरे को नहीं चाहिए, क्या बेइज्जती कर रहे हो उनकी, 74,000 रख रखे वहाँ पे यार, उनको डब्बे में डालो, बेचारे साइड लाइन भी यार, मेरे को तो कोई पूछ ही नहीं रहा, कितनी सिंपल है ना, चल मैं नहाने जा रहा हूँ मैं, ओके सो गाइस हम सारे आ रहे हैं आगरा, और आप सब वहीं मिलना हमें, ठीक है ना, आगरा चौपाटी पे 30 अप्रैल को 4 बजे। भाई सारे व्लॉग बना रहे यार, मैं भी बना लेता हूँ यार, सब इकट्ठे देख बसड़ बचा रखी है, सिब्बू रेडी है, सब रेडी है, मेरा बैग मेरा लगेज रेडी है, ओए तेरा सूटकेस दिखा, अबे अबे यार वहाँ भी कमाई करेगा क्या यार, निशान यार ये तो आगरा में भी कमाई करेगा यार, सही है भाई, ठीक है चलो, हाँ बता वो व्लॉग अच्छी लगी, अच्छा कोई नहीं यार, चलो भाई चलो प्रेस रख ले, जान के रखिए यार, प्रेस करके पहनेंगे ना कपड़े, नहीं मिली इनके भाई, तुझे पता है ना भाई हमारे लगेज में जगह नहीं है, तेरे सूटकेस में जगह है। सो गाइस भाई निकल रहे हम लोग, और दो गाड़ियां जा रही है हमारे साथ, एक तो अपनी XUV 700 और एक ये खच्चर जा रहा है इसके ऊपर, लेकिन कोई नहीं बैठेगा, और एक भाई अपनी ड्रीम कार से है ना छोटी है, और एक भाई अपनी जा रही है MG एक्टर, दो गाड़ियां लेके जा रही है, क्योंकि हमने सोचा कि दो ही ठीक है, क्योंकि हम यार इतने लोग तो है नहीं, अभी नंबर देख लो भाई 0110 0110, तो अपनी दो गाड़ी आ रही है, चले भाई निकले, कुछ है इसमें ना, क्या कुछ है डिग्गी में क्या भाई, ले देखने दे, ओ भाई देसी हुक्का, हम नामा हुक्का चाल दो, पता है क्या हमने सोचा था ताजमहल जाके, ताजमहल पे हुक्का हुक्का धर के पियेंगे ताजमहल पे, चलो भाई चलते हैं। लो भैया
आगरा 163 किलोमीटर दूर आगे भाई आगरा। हाँ भाई गाइस, ये वाली गाड़ी लेके आई है वन एंड ओनली सिब्बू गिरी। अच्छा उतरने से पहले मुझे एक बात बतलाओ, सिब्बू की ड्राइविंग कैसी थी? है मस्त। ये पर फेस मायूस क्यों रखा है इस बात पे? मायूस मस्त थी क्या? और क्या, सही चला रही है भाई। बताया मुझे सिब्बू कैसा लगा एमजी एक्टर चला के? नई गाड़ी दिलाओ मुझे, अभी दिलवाऊंगा। मस्त गाड़ी चलाई, एकदम बेस्ट। मेरे से भी मस्त चलाई क्या? आपकी बात अलग है, मतलब दोनों में अलग वाइब है। तुम उड़ाते हो, मैं चलाती हूँ। दोनों के अलग अलग वाइब है, अलग वाइब है। चलो भाई कुछ खा लेते हैं। एक गड़ी में सैड बिठाना तेरे जैसी सुंदरा में फिर जैक्स पैरों पर। ले भाई यो क्या कर दिया, यो अपने देसी हुक्के का जुगाड़ कर दिया। चलो भाई सब सेट है, अभी हम बेसिकली यहाँ पे खाना खाने के लिए रुके हैं और खाना खाएंगे और आगरा के लिए बोलेंगे। हाँ भाई विनय कैसा है, एक्साइटेड है भाई? भाई बहुत एक्साइटेड है, हम तो सारे एक्साइटेड है। दोस्तों दो गाड़ी आ रही है, बताई थी पहले भी, एक एक्सयूवी है, एक एमजी एक्टर है। दोस्तों अपना हम शक्ल दिखाऊं, वो रहा चांद, नूर है नूर मेरे चेहरे पे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ये भी ना वगैरह बोल रहे थे जब मैं गाड़ी चला रहा, कह रहे भाई तेरा फेस इतना ग्लो कैसे कर रहा है। तो आई डोंट नो, अभी आगरा आने में ये लगा लो 150 किलोमीटर का रास्ता और बचा है, वही 2 घंटे के आसपास लगेंगे। और आगरा चौपाटी के आसपास ही हम कोई होटल में स्टे कर रहे हैं। अभी होटल मैंने बुक नहीं किया क्योंकि मेरे को समझ नहीं आता कि कौन सा होटल लेना सही रहेगा, तो आगरा जाके ही डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा होटल लेंगे। वो मैं बता दूंगा आपको, स्टोरी वगैरह डाल दूंगा इंस्टाग्राम के ऊपर। और 30 तारीख को तो फिर आप लोगों से मिल ही रहे हैं, 30 तारीख को 4 बजे आगरा चौपाटी आ जाना भाई, सारे भाई, सारे भाई भी आ जाना और उनकी बहनें भी आ जाना। चलो भाई खाना आ गया अपना, मिक्स वेज, दाल मखनी, दाल तड़का और तवा रोटी लगवाई है, वो आ रही है। लोंडे चावल मंगवा दो। चावल कोई नहीं खा रहा सिप्पू, सिर्फ तू खा रही है, वेस्ट जाएंगे फिर। अरे हाफ नहीं दे रहे ना, फुल दे रहे हैं, फिर वो वेस्ट जाएंगे। पैक कर, क्या खा, पैक करवा के नहीं, अच्छी लगेगी रोटी ठीक है। अरे हाँ रायता भी तो था, रायता तो भूल ही गया था मैं, मजा आ जाएगा यार रोटी रायता सब्जी। निशान तू वो खा ले, ढोकला। भाई मैं खाऊंगा फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज खाएगा, केचप भी लाऊं? चाप खा ले चाप। तो भाई रोटी खा ली है और पता नहीं यार कितने लोग आएंगे परसों 30 तारीख को मिलने के लिए, कोई आइडिया नहीं है। पर यार आना यार, मैं आ रहा हूँ ना आप लोगों के लिए, तो आप भी थोड़ा कष्ट कर रहा भाई, आप लोगों से मिलने के लिए बहुत मन है मेरा, तो आगरा चौपाटी में मिलेंगे डायरेक्ट। हाँ भाई सारे फोन में घुस लो, देखियो सारे फोन में, एक ये कोई बात होती है क्या होता है फोन? हाँ ये करी ना बात बढ़िया लोंडो वाली। हाँ भाई फोन में बढ़ ले तू, और कोई ऑप्शन फोन को बांट ले गोज में। भाई बाकी सारी चीजें छोटी जाएंगी, सिब्बू की ड्राइविंग खतरनाक, खतरनाक थी क्या? भयंकर खतरनाक। अच्छा ये यार इन सबका दूसरा जन्म है। सही में ऐसा हुआ है क्या कुछ? तुम्हें लगता है? भाई किसी को राम जी तो नहीं दिखे? मेरे को नारायण दिखे थे। तो हम समझ गए मतलब सिब्बू की ड्राइविंग कैसी थी। अरे मेरे को ट्रस्ट है, ऐसे मुंह मत बना, बहुत मस्त थी ड्राइविंग। सिप्पू ड्राइविंग स्कूल इतना ट्रस्ट है कि अभी ना ये गाड़ी की चाबी देगा और कह रहे मेरी गाड़ी चला। एक्सयूवी नहीं नहीं वो वही चला रही है। नहीं लेकिन हम चाहते हैं एक्सयूवी चलाए। वी वांट एक्सयूवी, वी वांट एक्सयूवी, वी वांट एक्सयूवी। एक्सयूवी तो उसने बहुत चला रखी, आज हेक्टर चलाई यार, हम चाहते हैं आगरा तक चलाए। मैं हेक्टर चलाऊंगा, मैंने हेक्टर में चलाई, तो एक्सयूवी तो दे। कोई दिक्कत नहीं, रचित ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा भाई, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, बोल दे दो। हां मुझे, अरे यार भाई चला लेगी, क्या दिक्कत है? तो दे भाई चाबी दे। अरे चला ले, फिर मैं ये चलाऊंगा क्योंकि मैं गाड़ी चला के लाऊंगा। तो तू ये चला ले चल। मेन ये सिप्पू जिस गाड़ी में जा रही है हम उसमें नहीं जा रहे। नहीं नहीं, मेन वो बात भी नहीं है कि सिप्पू जिस गाड़ी में, मेन ये कि मेरे को भी ड्राइविंग करनी है इसीलिए। अच्छा ये सीन है भाई, हम तो साइकिल चलाते हैं, मेरे को पता है ना। अभी अभी ना ना, अब मेरी एक बात सुनो। देखो तुझे पनौती बोला इसने। हां हां बोलो। मैं कह रही हूं, मैं कह रहा हूं, याद कर, ये जब के ड्राइवर भी लाने वाला था अपने साथ। हां उसको क्या पीछे बैठा के मालिक कितने लाते तू गाड़ी चलाता? हां कह रहा ड्राइवर लाऊंगा। चलो भाई निकलते यार आगरा, आपके पास आ रहे हैं। वैसे मैं कल भी आगरा में ही हूं, मतलब 29 तारीख को भी आगरा में ही हूं। और भाई कहाँ पे रहे? वैसे ब्लॉग के एंड तक रहना, बने ब्लॉग के एंड तक रहना, हम होटल भी बता ही देंगे कौन से होटल करेंगे ना। बता दिया मैंने कि होटल अच्छा। अभी बुक नहीं करा, वही जाके बुक करेंगे। भाई क्या ले लिया तुमने रास्ते से? हो तो गए 60 रुपए देने ना, 10 का एक पैकेट है ना। ठीक है, ओके भैया, ओके भाऊ जी, ओके जी, शुक्रिया भाई साहब, धन्यवाद भैया। फुकनी और चिप्स ले भाई, 10 रुपए का एक पैकेट है फुकनी का, 10 रुपए का चिप्स का। याद है बचपन में कितने खाते थे? बचपन में 1 रुपए के काफी आ जाते थे ये, जितने चिप्स इसने 10 के दिया ना बचपन में 1 रुपए का आ जाता था इतना। चलो बढ़िया भाई, लेकिन कोई नहीं यार ठीक है भाई, ये तेरा ही है मेरा, टाइम बदलता है। ये तेरा, 5 फुकनी तेरी, 5 फुकनी मेरी और विनय की।
अच्छा दोस्तों एक बात और बताओ भाई, इसको फूकनी बोलते हैं ना, आपके उधर भी फूकनी बोलते होंगे भाई? हमारे इधर तो फूकनी बोलते हैं, बाकी किसी के इधर कुछ भी बोल सकते हैं। हर लैंग्वेज में किसी ना किसी चीज का अलग नाम रहता है, लैंग्वेज में भी नहीं, हर एरिया पे डिपेंड करता है। गया पला कर परोटे पर सिम के कमायाली जीन के देख लिए जन्नत का टच फील होवे खेताली नार या में पैर तू दबो कर चूसी रे गंडे गत्ती गच फील होवे यहां से आना है मेरे को यहां से पर नाक ना चटाइए कदे भी देसिया मैं कमी देख के तेरा शहरी हिप हॉप भूल जा मैं फिले या जमी देख के घर में भी प्यार चल फिर और प्यार की सबसे अलग सुन वो भी तेरे यार की एक बार गम्मा में जे मार जाएगी गेड़ा तेरे यास को नहीं आवे की आवा तन बार की अड़े बाल गाने जाने से बाबू के नाम ते दोबारा पे तू देश के फ्लैग देखिए पोते दर चिलम मैग देखिए पजामे वाले ठेल गाबरू हाँ सिब्बू हो गई तेरी ड्राइविंग पूरी, वापिस आ गई घूम फिर के मेरी गाड़ी में? कब तक रहूंगी दूर तुमसे? ओह कुछ भी भाई देखियो रास्ता, पूरे गाड़ी में मस्ती काट के मौज मार के गाड़ी पेलम पेल आ गए, अब तू बकवास कर रही है मेरे सामने। हाँ भाई चतुर्वेदी क्या हाल है? नींद आ रही यार बहुत तेज यार, तो सो क्यों रहा है? एक बार नाच देना सामने यार, सबकी नींद खुल जाएगी, कपड़े उतार के नाच दे। बहुत मजा आ रहा था भैया, जो मस्त मस्त गाने लगा रहे थे ओ भाई, और मजे के चक्कर में हमारे साइड में कभी ओवरटेक करे कभी पीछे लेके जाए। नहीं नहीं रचित, तुमसे आगे तो मैं बहुत देर से जान के नहीं निकल रही, क्योंकि तुमने बोला है कि आगे नहीं जाना और उन्होंने बोला हमें रास्ता भी नहीं पता, तो ठीक है तो मैं पीछे पीछे ही थी। तो बस भाई पहुंचने वाले हम लोग आगरा में, एंट्री होगी हमारी, मिलेंगे अब तो 30 तारीख को संडे को 4 बजे आगरा चौपाटी। कई बार बता लिए, रेडी रहना भाई, सारे के सारे आ जाना, जो आगरा का है वो तो आना ही आना, जो आगरा के आसपास का वो भी आ जाना, थोड़ा सा कष्ट उठा के कोई नहीं भाई, मिलना है भाई मेरे को सबसे। सो दोस्तों आगरा में आ गए हैं भाई और होटल भी ले लिया है, होटल का नाम बता देता हूँ, होटल भी आ सकते हो भाई लोग मिलने के लिए, होटल का नाम है, दिखाई देता हूँ यार, ठीक है ना भाई, ये अपना होटल रॉयल रीजेंट आगरा, दोनों गाड़ियाँ खड़ी हो गई अपनी, हेक्टर भी और एक्सयूवी भी, ये भी रेस्ट करेंगी बेचारी, 4 घंटे चल के आई है। चल भाई इसको लॉक कर दे यार, लॉक कर देना, चाबी आपके पास है, लॉक कर दी, कर दी भाई लॉक, चलो रूम में चलते हैं ऊपर। एक खच्चर खच्चर थक गया क्या तू? नहीं फुल एक्टिव है, और व्लॉग एडिट करना है अभी तो। भाई कौन कौन सा रूम अपना? तीन है क्या? तीन रूम लिए थे ना मैंने, एक ये और एक ये, चलो इसमें कौन है देखते हैं। वाह मतलब तू अपना सोलो लेके बैठा ये रूम है? भाई सोने जा रहा था अकेला। अच्छा हम मतलब यहाँ पे ठस्सा खाने आए हैं, तू एक पूरे रूम में अकेला सोएगा है? इस रूम में कौन कौन है? मिकी माउस, मैंने तो अपना रूम ले लिया भाई। कौन सा है? कौन सा है तेरा रूम? 401। अच्छा और तेरा सिब्बू यही है? ले भाई तीसरा रूम भी देख लेते। ओ वाओ ये हमारे वेलकम के लिए थी भाई, देख रहे हो दूसरी तो चटका गई है आते ही। कैसे नीच आदमी हो यार तुम, है नीच औरत है वो पूरी बात उसने कहा है क्या? दोनों ने कहा है। देख आगे ना देख, नीच तो तू भी है भाई साहब, ये इन्हें थोड़ा छोटा है वेलकम का, थोड़ा सा भाई इतना ही है इसमें। कोई ना भाई ये मैं और बिना खा लेंगे, ठीक है ठीक है। एक में तो ये बढ़ गया, एक ही में ये सिब्बू वगैरह है, इसमें कौन है? इसमें वाह भाई बल्लू, अकेला रूम कब्जा लिया आते ही, चिल्ड कर रखा इसने तो उन दोनों रूम में, तो इतना पता भी नहीं लगा, चिल्ड करके बैठा है। एक्सपीरियंस ले रहा हूं भैया, मैं पहली बार आया। सच में पहली बार आया? या भैया कह रहा या भैया सच में पहली बार आया हूँ, एक्सपीरियंस कोई ना, मौज मार चिल हो जा, एक्सपीरियंस ले लो, जब तो पहली बैठ गया मैं आके। ओके भाई ये बैग, ये बैठने की जगह है, ये बैग टेकने की जगह नहीं है। बल्लू कह रहा फर्स्ट टाइम आया हूँ होटल में। अच्छा तेरे को पता है इस होटल में स्विमिंग पूल है, उसी में डुबा के मारूंगा। कह रहा हमें पर्सनल स्पेस चाहिए। ये तो हमें पता है तुझे पर्सनल स्पेस चाहिए तेरे को और इसको भाई, इतना मत करो भाई, कोई नहीं कुछ भी। ओ भाई साहब दे हाथ जोड़ रहा है भाई, चले जाओ यार,
पर्सनल स्पेस दे दो यार। यार देख 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 हमारे सामने कैसे गैप बना के बैठा है वो उस कोने में इस कोने में, और फिर हमारे जाते ही इनका पर्सनल स्पेस चिपक जाएंगे दोनों। इतनी मोहब्बत है ना भाई इन दोनों में, इसमें और इसमें भाई। वाह ऐसा ऐसी मोहब्बत। आगरा में हो, आगरा में हो, एक ताजमहल बनवा दे इसके लिए तू, या तू इसके लिए बनवा दे। कौन सा किसके लिए बनवा रहा है बता दे भाई। भाई यारी दोस्ती हमारी। अच्छा ऐसा कोई रिलेशनशिप भाई, जब ये पर्सनल स्पेस मांग रहा है। अरे अरे गाइस गाइस ये तो उल्टा सीध हो रहा है भाई यहाँ पे तो। गाइस हमारा जी नहीं लग रहा था, अब हमारा जी लग जाएगा। बैठा रहा है होटल में, उनको सरप्राइज देते हैं। कौन सा कमरा था? आ जाओ भाई चलो। हाँ भाई कोई बदमाशी तो नहीं थी भाई? सही है भाई, काम करो। हाँ। तो बोलो बैड डाटा तू खाट लगवा भाई, सवाल आ जाएंगे। मैं तेरे को कह रहा हूँ बैड डाटा के यहाँ पे खाट लगवाओ। मैं सही कह रहा हूँ, सही है ना भाई? बिल्कुल। एक काम करते हैं, जैसे इसमें एक कुर्सी है ना ऐसी, हमने तीन रूम ले रखे हैं, तीनों में से एक एक सोफा चटका के यहाँ रख लेते हैं और अपना बढ़िया यही बैठक बन जाएगी। साइड वाले रूम की चाबी है क्या? अरे बंदे उनमें। अच्छा चलो जोर चला एक बार देखो उन तक। चलो तर देख चीज दिखाओ ठीक है। देसी उक्का एक काम कर, आग कहाँ बनाए? आग यहीं पे बना ले, बाहर नहीं, बाथरूम में बना ले। अरे बाथरूम में मार्बल होगा ना, लकड़ी तो ना आयो ना ना। इस एक काम करते भाई, सबसे बेस्ट इसको करते हैं, इसमें कुछ भर भर के ब्लॉक और इसमें गोश्त जलाते हैं, इसमें आग बना लेंगे। साइलेंस बच जाएगा फिर क्या? साइरन भी तो बच जाएगा। गेट बंद कर। अरे सब जुगाड़ करते, मुझे पता नहीं है लेकिन मैंने सुना है। गेट 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 बंद कर देंगे जबर। बाथरूम में नहीं होता साइरन। इसकी मत सुनो, ये तो भी कह रहा था कैमरे भी हैं। इसकी मत सुनो। मैं एक बात बताऊं भाई, मैंने सुना है। बात और बताऊं, साइरन बजेगा कैसे जब हम बोल के आ रहे हैं हम लोग कब पिएंगे? हां बस हम क्या उनके सामने तो लाए हैं। अच्छा चलो भाई लगाओ। मैं फिर ले भाई, तू यहीं चला दो फिर। कहाँ पे इस बेड पे आग ना लगा था तेरे हिसाब से? कह रहा भैया वो तो हमारा हमारा काम है आज। बेड पे आग तो आज ये लगाएंगे भाई। तो भाई सारे अपने अपने रूम में सेटल हो गए हैं, लेकिन मैं विनय हम लोग सेटल नहीं हुए हैं क्योंकि हम इन दोनों के बीच में अड़ रहे हैं। इन दोनों के बीच में भाई जा रहे हैं यार, क्यों बुरा मान रहे हो? देखो कैसे देख कैसे वो देखियो काकड़ी टी शर्ट उठा दे एक बार, अपने सिक्स पैक एब्स दिखा दे। सच में इसके एब्स है? हमारे नहीं है, हमारे तो पेट आ गया थोड़ा थोड़ा। उसको देख आशिकी बाजी है, देख कैसे पढ़ा है, ऐसे ऐसे पढ़ा। तो भाई अभी यार हम भी चले सोने। भाई वेट करूंगा, बार बार बोल रहा हूँ, संडे को आई लव आगरा वाली चौपाटी पे जहाँ पे छतरियां लगी हुई है, फतेहाबाद रोड वाली है ना जो, उस पे मिलेंगे। हमें नहीं पता था यार इतनी सारी चौपाटियां यहाँ पे। हमने तो डन कर दिया था कि भाई आगरा चौपाटी पे करेंगे, यहाँ आने के बाद पता लगा कि बहुत सारी चौपाटियां हैं। तो मेन मतलब जो हमने प्लान करी थी वो ये छतरी वाली थी, तो ये छतरी वाली बढ़िया है, यहीं मिलेंगे संडे को 4 बजे। और भाई सारे आ जाना। सिब्बू तो सो गई अपने रूम में, और निशांत भी सो गया अपने रूम में। दूसरा भाई गेट बजा रहा है 10 मिनट से कि भाई घंटी बजाया जा रहा, घंटी बजाया जा रहा, खोल ही देना लोंडा, घोड़े बेच के सो गया। और ये देखो भाई, ये देखो भाई ठीक है। अभी मैं और भी ना अभी भाई अपना ठिकाना ढूंढेंगे, हम भी सोएंगे। तो आ जाना भाई सारे आई लव आगरा वाली चौपाटी पे, आ जाना जो फतेहाबाद रोड पे है। चलो यार अब एंड कर दो भाई व्लॉग, व्लॉग को एंड कर देते हैं ना। अब ऐसे हो रही है, यहाँ होटल में आके भी खूब मौज मस्ती कर ली, खूब बकवास कर ली, सब हार थक के सब चले गए, हम ही दो बचे हैं। और ये दो हमारा वेट कर रहे हैं कि हम दोनों कब जाएंगे। तो यार हमें जाना है अभी सोने के लिए, इनका अपना काम है, इनका काम भी है भाई कुछ। तो चलो 11 बजे मिलेंगे कल नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए भाई प्यार बनाए रखना और अपना प्लान बना लो, जैसे भी आप 4 बजे पहुंच जाओगे वहां पे, जैसे भी करके अपना प्लान बना लो। छतरी वाली आगरा चौपाटी पे मिलेंगे, फतेहाबाद रोड वाली पे। चलो गाइस बाय बाय, लव यू, टेक केयर, मिलते हैं भाई। पप्पी दे दी अब तो, आ जाना।